तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त नेक्स्ट जेस के सीरीज में। मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग सबसे मेन पार्ट देखने वाले हैं, वो है हम लोग इस कार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे चेकआउट कैसे कर पाएंगे। तो जैसे यूजर चेकआउट करेगा, उसको उसके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेगा एंड देन उतना अमाउंट पे करेगा। सो पेमेंट के लिए हम लोग एपीआई यूज करेंगे, स्ट्राइप। अगेन, और स्ट्राइप बहुत इजी है इंटीग्रेट करना। हम लोग देखने वाले हैं कैसे होगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो ये प्राइस वाला देखें। हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाएगा। ओके, या सो कार्ट में आते हैं। मैं यहाँ पे अलग से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कॉस्ट, TOTAL TO, टोटल PRICE प्राइस, एंड यहाँ पे एक होगा रिटर्न करेंगे हम लोग कुछ JSX एंड देन डिव। हाँ, सो डिव में होगा लेट्स से H5 एंड ये दिखाएगा टोटल रुपीस, टोटल कितने रुपीस होंगे। लेट्स से 200 अभी के लिए फिक्स कर। मेरे को लगता है कि हम लोग को एक इंडियन करेंसी का वो कॉपी करना चाहिए, या नहीं INR सिंबल, या ये वाला सिंबल हम लोग को कॉपी करना चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, या अगेन तुम लोग जिस कंट्री में रहते हो उसका सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है? मैं बताऊंगा जब हम लोग चेकआउट करेंगे। तो अभी मैं तो इंडिया INR यूज करूंगा। पेमेंट जब स्ट्राइप में जितना भी अमाउंट पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ INR हम लोग पे करेंगे, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। अगर मैं तुम लोग को बताऊंगा तुम लोग USD कैसे यूज कर सकते हो, US डॉलर्स, एंड जिस भी कंट्री में वो कैसे यूज कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया। प्राइस शो करेंगे एंड देन उसके बाद एक बटन शो करेंगे सिंपल। क्लास नेम दे देता हूँ BTN एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं CHECKOUT, चेकआउट। बूम, लेट सेव दिस एंड ओ यूज नहीं किया इसको, माय बैड। यहाँ पे TO टोटल प्राइस सेल्फ क्लोजिंग, लेट सेव दिस। तो हाँ ओके, ठीक है। मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट में वो दे दूंगा स्पेस बिटवीन STYLE स्टाइल। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन SPACE BETWEN। ओके, लेट्स सेव दिस एंड ओ ये कैसे हो रहा है भाई? अरे इनको थोड़ी देना है ये मेरे को। कंट्रोल एक्स, मैं भी क्या कर रहा हूं यार, मतलब जहां टाइप कर रहा हूं वो देख नहीं रहा हूं। सेव एंड या बेटर बेटर। कंटेनर दे दूं क्या इसको? दे सकता हूं, दे देता हूं। सेव बेटर। ओके, टोटल दिखा रहा है और यहां पे चेकआउट दिखा रहा है। सही, एज ऑफ नाउ दिस इज फाइन फॉर नाउ, फाइन फॉर अस। ओके, सो अब देखते हैं यहां पे टोटल प्राइस हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो दो चार प्रोडक्ट ऐड करें, तीन चार। ऐड कौन कौन सा ऐड किया हुआ है वो तो देखें। अच्छा, आईफोन ऐड किया हुआ है और ये फॉर्मल सेट, ये भी ऐड कर लेते हैं तीन। हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं भी नहीं ना। ओके, तो तीनों की एक एक क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके, कॉन्सोल डॉट लॉग मेरे पास कुछ है क्या? अच्छा हाँ ये है। ओके ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी लॉग हो रहा है। हाँ,
सो डॉक्यूमेंट लॉग हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, बहुत सही चीज लिखी है, हम लोगों ने हटाया नहीं क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ रही है, देख रहे हैं हम लोग बार बार। ओके सो जब हम लोग इटरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, लेट PRI PRIC प्राइस, और इनिशियली होगा ये 0। एंड जब मैं हम लोग इटरेट कर रहे हैं ये इंडिविजुअल, इसमें उसमें हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर है प्राइस एंड या इससे। ओके सो मैं यहाँ पे जब इटरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आइटम में मेरे पास है डॉट QUA क्वांटिटी अगेन, हाँ इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ये स्टार, एंड देन आइटम में है हमारे पास PRODUCD प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में है PRIC प्राइस, एंड ये मेरे को प्राइस में असाइन कर देना है, प्राइस में एंड असाइन। और यहाँ पे जो ओल्ड प्राइस है उसमें मैं ये अपेंड कर देता हूँ, राइट। सो प्राइस विल बी ओल्ड प्राइस हर, क्योंकि बार बार ट्रेड करेंगे हम लोग, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं तो हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड का ये प्राइस में असाइन होगा, इनिशियली इसकी 0 है। अगेन हम लोग चीजें अपेंड कर रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ठीक है। प्लस इक्वल टू भी मैं यूज कर सकता था यहाँ पे, ओके। बट देन प्राइस जो ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस प्लस ये, ओके, क्योंकि दो तीन बार इटरेट करेंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक्सप्लेन करने में। ओके सेव, हाँ। सो उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइस शो कर सकता हूँ, लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये इतना दिखा रहा है 3700, कैलकुलेट करो 400 तो 34 और ये 3, हाँ ठीक है सही है दिखा रहा है। रिमूव करूं अगर मैं, सो हाँ सही है सही है सही दिखा रहा है, सही प्राइस है। ओके ये लॉजिक हमारा हो गया, प्राइस वाला लॉजिक हमारा सेट हो गया। नाउ चलो अब शुरू करते हैं हमारा मेन काम। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे सर्वर किल, यहाँ पे हम लोग को तीन पैकेज इंस्टॉल करने हैं। ये एक है रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ये हम लोग फ्रंट एंड पे यूज करेंगे, हमारा एक मॉडल ओपन होगा और मॉडल में हमारे को क्रेडिट कार्ड डालेंगे एंड हमारा एड्रेस डालेंगे एंड देन वहां पे हम लोग पे भी करेंगे, ठीक है। मतलब यूआई यूआई के लिए हम लोग ये यूज करेंगे रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें हम लोग को बस ये बस एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना है और हमारा काम हो गया। इसके अलावा भी एक और पैकेज जो स्ट्राइप की टीम ने बनाया है, बट देन उसमें हम लोग को लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये यूज करेंगे एंड देन ये हम लोग बैकएंड में यूज करेंगे स्ट्राइप। एंड देन एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगी यूयूआईडी, क्यों बाद में बताऊंगा। ओके सबसे पहले रिएक्ट, इसका नाम क्या पैकेज का, रिएक्ट डैश स्ट्राइप डैश चेकआउट। ओके करते हैं तो npm install react dash strip stripe dash checkout checkout and then stripe stripe हमारे बैकएंड के लिए stripe and uuid ये भी हमारे बैकएंड में यूज होगा। ओके एंटर प्रेस कर दो, आई गेस एज ऑफ नाउ यही तीन चाहिए। ओके बाद में और जरूरत पड़ेगी तो इंस्टॉल कर लेंगे यार। एंड देयर वी गो, हमारा डेवलपमेंट सब फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो इसको मैं तुम लोग को यूज करके दिखाता हूँ, एकदम मस्त चीज है, हम लोग को बस ये इम्पोर्ट करना है, ये कंट्रोल सी एंड यहाँ पे ये ऐसे बूम, ठीक है देखना जादू देखना। अब यहाँ पे ये जो हमारा बटन है चेकआउट वाला, ठीक है यहाँ पे ST स्ट्राइप चेकआउट, एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डालने पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लूँ क्या मैं यहाँ से, नेम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो नहीं चाहिए, इमेज करेंसी हम लोग यहाँ पे INR डालेंगे इंडियन रुपीस के लिए, एंड इतने सारे चीजें लिख लेता हूँ यार मैन्युअली जो जो मेरे को चाहिए। सो मेरे को चाहिए नेम, नेम होगा इक्वल हमारे लेट्स से हमारे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं, लेट्स से माय स्टोर, ठीक है। एंड यहाँ पे अमाउंट,
अमाउंट, ये जो हमारा प्राइस है इसके इक्वल होगा यहाँ पे पी आर आई सी प्राइस। एंड अगेन इसके बारे में और बात करूंगा, इसमें मेरे को इनटू 100 करना पड़ता है, बताता हूँ मैं क्यों। एंड इमेज डाल सकते हैं, मे बी ये जो इमेज होगा हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये जो एरे है लिस्ट है कहाँ गया, ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें हमारा ये जो फर्स्ट है फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका प्रोडक्ट्स, और ये इसका इमेज शो कर सकते हैं मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट का। तो मैं भी पहले प्रोडक्ट का मैं एक्सेस करूंगा प्रोडक्ट डॉट मीडिया यू आर एल लाइक सो। ओके एंड देन करेंसी में हम लोग लिखेंगे INR CUR, ये करेंसी में हम लोग लिखेंगे INR। तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हो अगर जिस भी कंट्री में हो उसके लिए क्या लिखोगे, USD लिख सकते हो US डॉलर्स के लिए। अगेन ये स्ट्राइप ऑलमोस्ट मैंने देखा है सारी करेंसी सपोर्ट करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो बहुत सारी लिखी थी तो सपोर्ट करता होगा। हाँ शिपिंग एड्रेस इक्वल टू ट्रू ये पूछेगा हमारे मॉडल, ये शिपिंग एड्रेस भी पूछेगा बिलिंग एड्रेस भी पूछेगा एंड जिप कोड भी पूछेगा और क्या, और एक स्ट्राइप की डालनी पड़ती है वो मैं तुम लोग को दिखाता हूं एक सेकंड में। सबसे पहले इतना करने से हम लोग क्या अचीव कर पा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। ओके ये हो गया, अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करूं तो ये देख सकते हो तुम लोग ब्यूटीफुल मॉडल हम लोग को दिख रहा है एक नंबर। यहाँ पे हमारा नाम दिखा रहा है माय स्टोर, इमेज दिखा रहा है, ईमेल पूछ रहा है, नेम स्ट्रीट पोस्ट कोड सिटी। और यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करूं मैं तो मैं एक नेक्स्ट पेज जिसमें हम लोग को क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का वो नंबर डालना पड़ेगा, CVV डालना पड़ेगा, वो सब डालना पड़ेगा। ओके ओके सो कुछ और चीजें हम लोग को डालनी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, सबसे पहले तुम लोग को स्ट्राइप पे लॉग इन करना है, अगर अकाउंट नहीं तो साइन अप कर लेना, तो तुम लोग को कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा, ईमेल भी वेरीफाई कर लेना। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे देखेगा गेस्ट गेट टेस्ट API की, तो हम लोग पब्लिशेबल API की यूज करेंगे। फ्रंट एंड पे इतनी बड़ी API की है तुम लोग कॉपी कभी नहीं कर पाओगे मेरी API की, इतनी बड़ी है। सो कंट्रोल सी करो और अपनी API की यूज करना, मेरी इतनी बड़ी है कि तुम लोग मेरी ये यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो हमेशा अपनी की यूज करना। हाँ तुम लोग को बोलता हूँ पर तुम लोग सुनते नहीं हो, मैंने क्लाउडनरी का अपना जो मैंने प्रीसेट वहां पे बनाया था वो डिलीट करना भूल गया था। एक दिन मैंने वहां पे लॉग इन किया तो मैंने देखा कि लोगों ने वहां पे, मतलब सारे लोगों ने तो ऑलमोस्ट नहीं किया होगा, बट कुछ लोगों ने वहां पे अपने प्राइवेट फोटोज अपलोड कर दिए थे। यार हद है, मैं स्क्रॉल करते करते थक गया, इतने सारे फोटोज अपलोड हो गए थे वहां पे। इंस्टाग्राम क्लोन वाले में मैंने तुम लोग को बताया ना इमेज अपलोड करने के लिए क्लाउड ने यूज किया था, तो उसमें जो अपलोड प्रीसेट था वो मैंने डिलीट करना भूल गया था। तो मैं देख रहा था कि तुम लोग जो मैंने यूज किए थे क्रेडेंशियल्स अपना क्लाउड नेम और तुम लोग वही यूज करके अपने फोटोज मेरे क्लाउडनरी के अकाउंट में तुम लोग अपलोड कर रहे थे। तो ये गलती मत करना यार, पता चला किसी दिन पैसा पे करना पड़ जा रहा है मेरे को। ओके तो यहाँ पे क्लिक कॉपी करेंगे एंड एक मिनट तो लगेगा यार, साइन अप तो करना है यार, अपना यूज कर लेना, स्ट्राइप की एंड यहाँ पे कंट्रोल वी जो भी, इतनी बड़ी है। खैर ये तो कॉपी भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा स्ट्रिंग थोड़ी कॉपी कर पाओगे। ओके एंड मत करना यार, मत करना कॉपी, अपना यूज करना। यहाँ पे एक और चीज हम लोग को मिलती है वो है टोकन। अब इस टोकन में हमारे पास एक फंक्शन रिसीव होता है, उस फंक्शन में हम लोग को रिसीव होता है पेमेंट PAY पेमेंट इन्फो, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे इस मॉडल में वो रिसीव होता है, ठीक है। एंड वो उसके यहाँ पे मैं कॉल करूंगा एक और फंक्शन, लेट से हैंडल चेकआउट CHECKOUT चेकआउट, एंड इसमें मैं पेमेंट इन्फो पास कर देता हूँ लाइक सो। अभी हम हैंडल चेकआउट बनाता हूँ और मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ इस पेमेंट इन्फो में क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास इस फंक्शन में टोकन एज अ फंक्शन लेता है और इसमें हम लोग को पेमेंट इन्फो रिसीव होता है यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम लोग डाल रहे हैं। तो ये मैं हैंडल चेकआउट कॉल कर रहा हूँ, उसमें पेमेंट इन्फो पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट
हैंडल चेकआउट एंड यहाँ पे ये PAY पेमेंट इन्फो रिसीव होगा एंड एज अभी के लिए मैं करूंगा कॉन्सोल डॉट लॉग पेमेंट इन्फो. ओके सेव करता हूं. सो अब देखो यहां पे मैं इसको मैं भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूं. ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है बट देन फिर भी आदत है. ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे में ठीक है. इन टोटल इतना प्राइसिंग हो रहा है हमारा चेकआउट. ओके ईमेल आईडी डालेंगे लेट्स से ramesh@ramesh.com. कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो. नेम लेट्स से रमेश स्ट्रीट कुछ भी फेक सिटी सिटी क्या होगी कुछ भी डालो यार. इतना सोच रहा हूं मैं इंडिया. इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया somehow पता नहीं कैसे. पेमेंट इन्फो यहाँ पे एक चीज तुम लोग यहाँ पे देखोगे 34 rupees. इसके बारे में बताऊंगा. ऑल्दो यहाँ पे 3400 है पर यहाँ पे 34 rupees दिखा रहे हैं हम लोग को. हाँ बताता हूँ उसके बारे में मैं तुम लोग को. यहाँ पे हम लोग को एक वैलिड कार्ड नंबर डालना पड़ेगा जो कि फेक हो बट वैलिड हो. वैलिड पैटर्न होगा ठीक है. कुछ भी नंबर नहीं डाल सकते. वैलिड पैटर्न होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग 4242424242424242 लिख सकते हैं जब तक ये लिखना हमारा स्टॉप नहीं हो जाता ठीक है. तो ये वीजा का वैलिड पैटर्न है ठीक है. तो ये फेक है ठीक है. फेक है ये रियल नहीं है. अगेन तुम लोग देख रहे हो हम लोग टेस्ट मोड में. हम लोगों ने टेस्ट वाले APIs यूज किए हैं टेस्टिंग के लिए ठीक है. हाँ तो ये हमारे टेस्ट के लिए APIs है. यहाँ पे कोई भी फ्यूचर मंथ और ईयर लेट्स से 2020 CCV बूम पे. अगर मैं पे करता हूं तो उसके बाद ये ग्रीन चेक यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग होना चाहिए. वो हैंडल वाला फंक्शन जो है कॉल होता है उसके बाद ठीक है. ओके सो इस पेमेंट इन्फो ये जो पेमेंट इन्फो है मैंने लॉग किया. इस पेमेंट इन्फो में हमारे पास क्या है. इस पेमेंट इन्फो में सबसे पहले जो तुम लोग को एक चीज नोटिस करनी है वो है उसमें है ये आईडी. ये तुम लोग को नोटिस करनी है. इसकी जरूरत पड़ेगी बैकएंड में. हम लोग जो API बनाएंगे एंड देन उसके बाद हमारे पास ईमेल है जो हम लोगों ने उस मॉडल में डाला था. उसके बाद हमारे पास कार्ड में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने डाला था. बैंगलोर फेक स्ट्रीट कंट्री वीजा मतलब वीजा यूज किया था. वीजा कार्ड यूज किया था मैंने अपना एंड या सो बहुत सारी डिटेल्स हैं हमारे पास. कार्ड नहीं ये मेन जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है आईडी नोट करना एंड ये ईमेल नोट करना ठीक है. सो बेसिकली ये आईडी क्या होता है. ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे रहे हैं हम लोग को स्ट्राइप. तो हर एक जो कस्टमर होता है उसकी ये एक यूनिक उसके लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट करके देता है स्ट्राइप ठीक है. बाद में और डिस्कशन करेंगे इस आईडी के बारे में बट रिमेम्बर करना कि आईडी हमारे पास ये होता है. हमारे पेमेंट इन्फो में ये होता है. ओके सो जो ये प्राइसिंग वाला इशू था हम लोग को 34 दिख रहा था उसके लिए हम लोग को सिर्फ इंटू कर देना है. यहाँ पे प्राइस इंटू 100 कर देना है फिक्स करने के लिए. अगेन सो ये एक स्ट्राइप का फीचर है. सो जैसे कि 1 rupees में 100 पैसा होता है. सो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है डिवाइड कर दे रहा है उस 100 से. तो हम लोग को डिवाइड कर दे रहा है 100 से. तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 100 से. तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को एग्जैक्ट प्राइस मिलेगा. मतलब मॉडल में एग्जैक्ट प्राइस देखेगा. अब ये एक स्ट्राइप का फीचर है कोई बग नहीं है. 100 करना पड़ता है बस. इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है. स्ट्राइप का डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बोलता है कि हम लोग को करेंसी में उसके लोएस्ट पॉसिबल अमाउंट डालना पड़ता है. मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैसा डालना पड़ता है ऐसा बोल सकते हो तुम लोग. हाँ ओके ज्यादा नहीं बस हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. 100 इंटू कर देना है. ओके सेव करूँ अगर मैं तो अगर एक बार फिर से करूँ चेकआउट. सो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली 3400 दिखना चाहिए. कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ. वैलिड पैटर्न तो नहीं डालना पड़ता है ना. mukesh@ नेम कुछ भी स्ट्रीट कुछ भी सिटी कुछ भी पोस्टल कोड कुछ भी पेमेंट इन्फो. अब तुम लोग देख रहे हो 3-4 एग्जैक्ट अमाउंट दिख रहा है. यहाँ पे भी 3-400 एग्जैक्ट अमाउंट दिख रहा है. ओके बढ़िया सही है एक नंबर जबरदस्त ठीक है. अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा कठिन चीज वो है API. हाँ सो हम लोग इस पेजेस के अंदर API के अंदर हम लोग बनाएंगे payment.js में भी. ओके सो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी है. सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूं मैं stripe stripe फ्रॉम
Stripe, and then import UUID version 4. Version 4 use होता है हमारा random string generate करने के लिए. मैं मेरे को वो import करना है UUID slash so maybe यहाँ से मैं destructure कर सकता हूँ क्या? हाँ वर्जन, तो मैं इसको क्या करूंगा, वर्जन 4 इंपोर्ट करूंगा, उसको रीनेम करूंगा एज UUID v4. ओके ऐसा कर सकते हैं. तो मैंने यूआईडी से वर्जन 4 इंपोर्ट किया, उसको रीनेम कर दिया UID 4. ऐसा ही है ना, डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं ना. हाँ ऐसे ही किया. ओके ठीक है, तो यूआईडी का वर्जन 4 यूज कर सकते हैं रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए. क्यों जनरेट करना है बाद में बात करेंगे, ठीक है. सो यूआईडी हम लोग इसलिए इंस्टॉल किया रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए. ओके सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम लोग बनाते हैं हमारा एपीआई ASYN async request कॉमा रेस्पॉन्स. हाँ सबसे पहले फ्रंट एंड से हम लोग क्या भेज रहे हैं, पेमेंट इन्फो भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजेंगे. ये जो लॉग हुआ था ना, ये लॉग हुआ था ना, ये पूरा पूरा हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे बैक एंड में, ठीक है. तो उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ PAYMENT पेमेंट इन्फो में. पेमेंट इन्फो में ओके. हाँ सबसे पहले तो टोकन भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा कार्ट वाला था. अगेन ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ. पूरा ही कॉपी कर लूँ क्या? पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ इतना जो है. कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये हटा देते हैं उसमें से ये दो चीज. ओके एंड यहाँ पे इसमें हम लोग में भी लिख देते हैं एरर प्रोसेसिंग PAYMENT पेमेंट. ओके फॉर वॉट एवर रीजन ये अगर एनकाउंटर की हम लोग इस कंडीशन पे इस कैच ब्लॉक में आए तो, ऑल दो ये रेयर होगा बट देन ओके. हाँ सो हम लोग यूजर आईडी रिट्रीव कर रहे हैं इस वेरीफाई टोकन से, सीक्रेट से. ओके ये सब सही है ना? हाँ हाँ ठीक है. सो कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? तो सबसे पहले तो मेरे को यूजर का कार्ड गेट करना है, ठीक है. हाँ सो वो कर लेते हैं. इंपोर्ट किया है मैंने, नहीं किया है. ओके इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम /model/cart. धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले थोड़ा सा टाइप आउट करने दो मेरे को. कार्ट डॉट फाइंड, अरे यार ये सर्टिफिकेट क्या इंपोर्ट हो गया. फाइंड वन एंड मतलब यूजर से एसोसिएटेड कार्ट में फाइंड कर रहा हूँ, तो जिसमें यूजर की यूजर इक्वल होगा यूजर आईडी जो हम लोग टोकन से रिट्रीव कर रहे हैं. ओके एंड तो उस पर्टिकुलर यूजर का पर्टिकुलर कार्ट रिटर्न हो जाएगा, बट देन उस कार्ट में जो प्रोडक्ट्स एरे है उसके अंदर प्रोडक्ट है वो उसमें सिर्फ आईडी होगा. तो मैं चाहता हूँ उसमें आईडी को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मेरे को सारे उस प्रोडक्ट का नाम नाम देखना है, इमेज देखना है, सब देखना है. तो उसके लिए मैं अगेन POPU पॉपुलेट और पॉपुलेट में लिख देता हूँ PRODUCTS products डॉट PRODUCT product लाइक सो. एंड यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ const cart में. तो मेरे को यूजर का जो लॉग्ड इन है जिसने चेकआउट कर रहा है उसका कार्ट मिल गया, ठीक है. ओके सो उसके बाद देखो फ्रंट एंड से हम लोगों ने पेमेंट की, बट देन यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड से कुछ प्राइस वगैरह नहीं भेजेंगे. देखो हो सकता है यहाँ पे जो यूजर पे कर रहा है समहाउ इस प्राइस को यूजर मैन्युपुलेट कर दे, मतलब किसी ने मैन्युपुलेट कर दिया फ्रंट एंड से. तो हम लोग को फ्रंट एंड के प्राइस पर रिलाय नहीं होने, अगेन हम लोग को बैक एंड में क्वेरी करना है एंड बैक एंड में अगेन ये अमाउंट टोटल कैलकुलेट करना है,
ठीक है, ये लॉजिक जो है प्राइस का, अगेन बैकएंड में हम लोग लॉजिक, बैकएंड में भी तो हम लोग लॉजिक गेट कर सकते हैं ना, कि हम लोग को बैकएंड में भी तो एक्सेस है ना, यूजर के कार्ट का एक्सेस है ना, लॉजिक लिख सकते हैं ना। तो वही है, हम लोग को बैकएंड में ये टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे बैकएंड में, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी स्टेप है, हम लोग करना पड़ेगा फ्रंट एंड से, ये प्राइस हम लोग बेच के एंड देन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जितना भी यूजर से चार्ज करना है हम लोग को बैकएंड में वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकएंड में अगेन हम लोग को प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूजर का कार्ट तो हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग उस कार्ट में जो जो यूजर के कार्ट में जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बैकएंड पे करेंगे वो, फ्रंट एंड पे हम लोग रिलाय नहीं होंगे। ये एक सिक्योरिटी स्टेप है, हम लोग को ऐसा करना चाहिए हमेशा। समहाउ अगर कोई इसको मैनिपुलेट कर दे तो दिक्कत वाली काम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट एंड से यूजर को भले ही दिख रहा है जो भी प्राइस पे कर रहा है, बट देन हम लोग बैकएंड पे वेरीफाई कर रहे हैं, अगेन वही प्राइस डिडक्ट होना चाहिए यूजर से, ठीक है। हाँ, तो फ्रंट एंड पे अगर मैनिपुलेट कर देगा कोई जो होशियार होगा, उसको वो काम नहीं करेगा उसका लॉजिक, ठीक है, क्योंकि बैक एंड पे अगेन हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं प्राइस। तो सबसे पहले तो प्राइस बनाता हूँ, लाइक प्राइस इनिशियली होगा ये 0, एंड देन हमारे पास एक कार्ट में है PRODUCTS प्रोडक्ट्स एरे, उसमें मैं फॉरिच लगा सकता हूँ, फॉरिच इस बार फॉर EACHE कैपिटल, तो मेरे को आइटम रिटर्न होगा इंडिविजुअल। अगेन मैप हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि मैप एक नया एरे रिटर्न करता है, हम लोग को इस केस में कुछ रिटर्न नहीं करवाना है। एंड देन जो लॉजिक हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे प्राइस वाला, वही सेम यहाँ पे भी, कहाँ गया, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl C Ctrl V, लाइक सिंपल लॉजिक, ठीक है। हाँ हो गया, तो अब हमारा इस प्राइस में टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है, जो जितना भी यूजर ने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड किए उसके टोटल प्राइसिंग आ जाएगा हमारा, ओके। हाँ सही है, इतना यही लिख रहे हैं, ओके। अब समझो, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। अब सबसे पहले यूजर ने, लेट्स से एक बार यूजर पे कर चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एक बार पे कर चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा, यूजर जो कस्टमर है जिसने ऑलरेडी पे एक बार पहले भी पे किया है, तो वो एग्जिस्ट करेगा स्ट्राइप में। स्ट्राइप में कुछ होता है कलेक्शन कस्टमर स्ट्राइप का, जैसे कि रमेश, रमेश पहले से ही एक बार पे कर चुका है, तो वो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है स्ट्राइप, वो पहले से ही स्ट्राइप में पे कर चुका है, उसने स्ट्राइप यूज किया है पेमेंट के लिए, ऑब्वियसली हम लोगों ने स्ट्राइप पे यूज किया है, तो हमारे तो जो पहली बार पे करता है ना वो एग्जिस्ट करेगा, जो एक बार पेमेंट कर चुका है ना, तो इस कस्टमर में वो एग्जिस्ट करेगा जिसने पहले पे कर चुका है। सबसे पहले हम लोग को चेक करना है जो चेकआउट कर रहा है वो एग्जिस्ट करता है क्या इस कस्टमर में, स्ट्राइप में कुछ कस्टमर एग्जिस्ट करता है क्या, तो एग्जिस्ट वो कब करेगा, जब उसने एक पहले भी एक पेमेंट कर चुका होगा, तो वो इस कस्टमर में एग्जिट करेगा, कस्टमर्स में एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले ये चेक लगाना है, ओके। सो वो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये अवेट अवेट लगाएंगे, अवेट करना पड़ेगा, अगेन हम लोग यूज करेंगे स्ट्राइप, स्ट्राइप एंड अगर हम लोगों ने स्ट्राइप इनिशियलाइज किया है, ओ माय बैड। हाँ सबसे पहले हम लोग को कॉन्स्ट strstripe स्ट्राइप इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये जो एस कैपिटल है strip स्ट्राइप कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे हमारा वो क्या बोलते हैं ये सीक्रेट, सीक्रेट की, मैं इसमें क्लिक करता हूँ एंड ये मैं कॉपी करूंगा, हो गया कॉपी, ओके। सो और ये मैं एक, अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल में भेज रखूंगा मैं इसको, STRI कैपिटल STR स्ट्राइप SECRET सीक्रेट, Ctrl V, Ctrl C, अगेन इसको कोट्स के अंदर डाल देना, ठीक है। सो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रोसेस Ctrl V स्ट्राइप सीक्रेट, ओके, लाइक सो, यहां पे STRIP, ओके स्ट्राइप। अब ये हम लोगों ने एस कैपिटल स्मॉल रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल है ये स्ट्राइप,
तो सबसे पहले मेरे को ये चेक लगाना है कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, मतलब कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो एक बार पहले भी अगर पे कर चुका तो एग्जिस्ट करेगा। देखो कैसे वो कैसे चेक करते हैं, स्ट्राइप डॉट कस्टमर CUS, सेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलत कर रहा हूँ यार मैं, सेशन नहीं आता तो मतलब दैट मीन्स कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। देखते हैं कुछ गलत होगा तो CUSTOMERS कस्टमर्स डॉट लिस्ट। ओके मैं तुम लोग को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे दिखा देता हूँ। लेट्स से कि मेरे को देखना है कि सारे कस्टमर्स लिस्ट आउट करना है जितने भी स्ट्राइप में हैं, स्ट्राइप में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ओके सो यहाँ पे नोड जस्ट सेलेक्ट करना था। सारे कस्टमर्स लिस्ट करने के लिए हम लोग कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, स्ट्राइप डॉट कस्टमर डॉट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें इसने 3 लिखा है तो उससे क्या होगा, हम लोग को ये रेस्पॉन्स मिलेगा। अरे यार उससे हम लोग को रेस्पॉन्स बहुत छोटा है स्क्रीन में रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स में ये है एक डेटा, डेटा एक एरे है, और उस एरे के अंदर वो सारे कस्टमर्स हैं जिन्हें तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, मैं जानता हूँ सारे वो कस्टमर्स होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, ठीक है, एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, अगेन सारे कस्टमर डेटा एरे है, डेटा एरे है और इसके अंदर सारे कस्टमर्स हैं, ये अज्यूम कर लो, ठीक है, डेटा एरे और इसके सारे अंदर कस्टमर्स हैं। हाँ सो हम लोग को अगर एग्जिस्ट करता है कस्टमर तो वो कस्टमर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसमें ये ईमेल डाल कर सकते हैं। तो ईमेल से क्या होगा, ये फिल्टर लिस्ट बेस्ड ऑन कस्टमर ईमेल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग ईमेल डालेंगे तो ईमेल हमारे पास रिसीव होगा इस ये कहाँ गया हमारा, ये पेमेंट इन्फो में डॉट ईमेल करूंगा, अगेन मैंने तुम लोग को दिखाया था यहाँ पे हमारे पास पेमेंट इन्फो में ईमेल था, ठीक है। मैं यहाँ पे उस कस्टमर को फाइंड करूंगा कि जो जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस मॉडल में, जो हमारा पेमेंट वाला जो मॉडल था उसमें जो मैंने ईमेल यूज किया था उस ईमेल से एसोसिएटेड एक कस्टमर क्रिएट किया हुआ होगा, अगर उसने पहले भी पे किया हुआ है तो मैं वो फाइंड कर रहा हूँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए स्ट्राइप डॉट कस्टमर्स, स्पेलिंग सही है ना, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ क्या, ये कंट्रोल सी गलत होगा तो कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं इस लिस्ट के अंदर फिल्टर पास करूंगा, ईमेल इक्वल होना चाहिए पेमेंट इन्फो के ईमेल से, मेरे को वो कस्टमर चाहिए, ठीक है, पेमेंट इन्फो में हमारे पास ईमेल है, ठीक है, ये देखो ना है ना ईमेल, ईमेल है, ठीक है। ये मेरे को रिटर्न करेगा, प्रीवियस कस्टमर, ठीक है, मतलब यूजर पहले भी पे कर चुका है तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे प्रीवियस कस्टमर रिटर्न होगा। हाँ बस इतना ही लगाना है, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, कॉज इज एग्जिस्टिंग CUSTOMER, ठीक है, इज एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो इस प्रीवियस कस्टमर में हो सकता है अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर प्रीवियस कस्टमर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग को ये डेटा मिलना चाहिए, और इस डेटा में एटलीस्ट एक एक वो होना चाहिए, एक कस्टमर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं बट हम लोग वो ही कस्टमर फाइंड कर रहे हैं जिसका ईमेल इक्वल होगा हम लोग जो इसमें रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे ये पेमेंट में,
वही कस्टमर फाइंड करें, तो एटलीस्ट हमारे पास इस डेटा, ये जो डेटा है, डेटा में ये जो डेटा है इसमें एटलीस्ट एक कस्टमर तो मिलेगा, अगर मिला है तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस कस्टमर, और यहाँ पे मेरे पास डेटा डेटा एक एरे है, उसका जो लेंथ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। 0 से बड़ा होगा, अगर अगर एक भी इसमें रिकॉर्ड मिल गया हम लोग को, दैट मीन्स वो प्रीवियस कस्टमर है। एक भी अगर हम लोग के ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट मीन्स वो प्रीवियस कस्टमर है, तो ऑब्वियसली लेंथ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मतलब पहले से ही कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, एक बार मैं कोड लिख लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी चीजें सी क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और तुम लोग को समझ में आएगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि मैं मुकेश हूँ, मैंने मुकेश हूँ, ठीक है, मुकेश चेकआउट कर रहा है, स्ट्राइप में कस्टमर क्रिएट हुआ मुकेश, मैंने 100 रुपीज पे किए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आता हूँ तो मैं मुकेश पहले से ही क्रिएट हुआ है, तो वो मुकेश करके एक डैशबोर्ड में मेरे को दिखाएगा कि मैंने एक बार 50 रुपए पे किए, सेकेंड टाइम मैंने 100 रुपए पे किए, इस तरीके से दिखाएगा। अगर मैं ये चेक नहीं लगाऊंगा कि अगर पहले से ही कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हर बार क्या होगा, मुकेश का एक नया कस्टमर क्रिएट होगा, मुकेश का तो एक नया नया वो कस्टमर क्रिएट होगा। तो मुकेश ने एक बार 50 पे किए, फिर एक दूसरा कस्टमर क्रिएट होगा मुकेश, उसमें फिर दिखाएगा कि 100 बार उसने 100 रुपीज पे किए। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुकेश एक ही हो और उसी एक ही के अंदर दिखाए कि उसने इस दिन इतने इतना परचेस किया, इतने अमाउंट का कुछ परचेस किया, उसने एक दिन इतने अमाउंट का परचेस किया, कस्टमर एक ही होना चाहिए, राइट। तो ये चेक लगाना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे लगाता हूँ इफ नॉट इज एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता है, इज एग्जिस्टिंग कस्टमर, नॉट नॉट लगाया, देन इन दैट केस हम लोग को एक न्यू कस्टमर क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब जो यूजर पहली बार परचेस करेगा, तो उस केस में हम लोग ये कंडीशन ट्रू होगी, एंड यहाँ पे हम लोग अवेट स्ट्राइप डॉट सी यू एस कस्टमर्स डॉट क्रिएट क्रिएट एंड ऑब्जेक्ट एंड ईमेल, उस कस्टमर का ईमेल, ईमेल के बेसिस पे क्रिएट कर रहे हैं, और वो ईमेल हम लोग लिख सकते हैं पेमेंट इन्फो से, ये जो हम लोगों ने लिखा है पेमेंट इन्फो से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड हम लोग को एक सोर्स भी लिखना पड़ता है यहाँ पे, एस ओ यू आर सी, सोर्स भी डालना पड़ता है, और सोर्स होता है हमारे पास पेमेंट इन्फो में ये आईडी है। तो हर एक कस्टमर, ये स्ट्राइप हम ऑटोमेटिकली हम लोग को आईडी क्रिएट करके करें, तो हर कस्टमर की एक आईडी होगी, तो वो हम वहां पे हम लोग को सोर्स में डालना पड़ता है। तो अगेन इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आईडी को, पेमेंट इन्फो डॉट आईडी लिख के, अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखना है, सिर्फ डॉट आईडी लिखना है, ठीक है। हाँ, सो अब ये हम लोग को रिटर्न करेगा नया कस्टमर कस्टमर लाइक सो, बूम, हो गया, इतना इजी है, बस हो गया, अब हो गया, कठिन लॉजिक हो गया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग को। हाँ, ये तो तुम लोग समझ गए, डेटा एरे था इसलिए मैंने लेंथ लगाया, अगर हम लोग को कस्टमर प्रीवियस कस्टमर एग्जिस्ट करता है तो उसकी लेंथ 0 से बड़ी होगी, उस केस में ये ट्रू होगा इसमें, तो मतलब कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट ये कंडीशन है कि कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग एक नया कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग प्रीवियस कस्टमर फाइंड कर रहे थे इस ईमेल के बेसिस पे, जो हम लोगों ने फ्रंट एंड से भेजी है, यहाँ से, यहाँ मतलब इस पेमेंट इन्फो में भेजी है, तो जितना अभी तक उतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने लिखा नहीं है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, समझ में आ जाएगा इसलिए। ओके, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली यूजर से चार्ज करेंगे, ठीक है। ओके, सो अवेट कर लेता हूँ, अवेट strip स्ट्राइप डॉट charge चार्जेस डॉट CREAT क्रिएट, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट
और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे करेंसी, करेंसी एंड करेंसी विल बी INR। तुम लोग डॉक्स में देख सकते हो तुम्हारी करेंसी के लिए, तुम अगर दूसरी कंट्री में हो तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, हाँ USD भी लिख सकते हो अगर US डॉलर्स में तुम लोग को चाहिए तो। एंड देन अमाउंट, अमाउंट इक्वल होगा हमारे प्राइस के इंटू 100 करना पड़ेगा, रिमेम्बर राइट, इंटू 100 करना पड़ता है, एक रुपीस 100 पैसा होता है। एंड स्ट्राइप लोएस्ट पॉसिबल उसमें करता है, अगेन 100 इंटू करना पड़ता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस करना पड़ता है, डॉलर्स भी यूज करोगे तो उसमें भी 100 इंटू करना पड़ेगा। तो स्ट्राइप पैसे में कन्वर्ट कर देते, तो पैसे में कन्वर्ट करने के प्राइस को 100 से डिवाइड कर दें तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो लोएस्ट पॉसिबल क्या, मनी में कन्वर्ट करता है, तो पैसा लोएस्ट पॉसिबल मनी है ऐसा बोल सकते हो इंडिया के लिए, एक रुपीस में 100 पैसा होता है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब 100 इंटू कर देना जो भी प्राइस है उसके, ठीक है, ये स्ट्राइप का फीचर है 100 इंटू करने वाला। हाँ, उसके बाद RECEIPT रिसिप्ट ईमेल, जैसे ही हम लोग यूजर को चार्ज करते हैं ना तो एक ईमेल भी चले जाता है यूजर को, जिसने भी पे किया उसको स्ट्राइप ऑटोमेटिकली एक ईमेल भी भेज जाता है कि हाँ तूने ये प्रोडक्ट यूज किया इतने रुपीज का, तूने परचेज किया है, ये एक अच्छा फीचर है। बट हम लोग को, हमारे केस में ईमेल हम लोग को नहीं आएगा, इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग टेस्ट API यूज करते हैं, तो हम लोग को मैनुअली ईमेल भेजना पड़ेगा, वो स्ट्राइप के डैशबोर्ड में ऑप्शन होता है, मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। रिसिप्ट ईमेल में, रिसिप्ट ईमेल में किसको रिसिप्ट भेजनी है, मतलब पेमेंट की रिसिप्ट किसको भेजनी है, तो अगेन ये पेमेंट इन्फो ईमेल ये कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। एंड उसके बाद हम लोग कस्टमर US कस्टमर ये ऐड करना, और कस्टमर इक्वल होगा हमारा, इधर वो न्यू कस्टमर हो सकता है या प्रीवियस कस्टमर होता है, उसकी आईडी हम लोग को इंक्लूड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो हम लोग को अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम लोग को ये जो प्रीवियस कस्टमर है Ctrl+C Ctrl+V उसके अंदर हम लोग को, उसके अंदर है हमारे पास डेटा, और डेटा डेटा एक एरे है, अगेन अगर कोई अगर इस प्रीवियस कस्टमर में हमारे पास ये रिटर्न हो रहा है जो मैंने तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन पे दिखाया था, प्रीवियस कस्टमर में हमारे पास ये पूरा रिटर्न होगा, ये एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसमें हमारे पास डेटा है, डेटा एक एरे है, एंड उस एरे में एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का मेरे को आईडी एक्सेस करना है, ठीक है, यस। सो प्रीवियस डेटा का फर्स्ट एलिमेंट का मेरे को आईडी एक्सेस करना है, तो इस कस्टमर में उस कस्टमर का आईडी मेरे को देना है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो इस तरीके से हम लोग आईडी एक्सेस करेंगे, एल्स हम लोग न्यू कस्टमर, ये जो है न्यू कस्टमर, एल्स हम और जो न्यू कस्टमर है डॉट आईडी ऐसे लिख सकता हूं मैं, लाइक सो। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जो डैशबोर्ड में हम लोग को दिखेगा, DSCRIP डिस्क्रिप्शन, लेट्स से बैकटेक्स यूज कर रहा हूँ, यू मेड अ पेमेंट ऑफ INR मे बी INR नहीं, ऐसा नहीं लिखते, यू मेड अ पेमेंट एंड यू एक्चुअली यू परचेज लिखता हूँ मैं, UPURCHA यू परचेज्ड एंड लेट्स से इसके साथ साथ मैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी शो कर देता हूँ। अगेन एक डिस्क्रिप्शन है डैशबोर्ड में देखेगा, ईमेल आईडी है हमारे पास payment.email में, you purchased a PRO product जो भी लिख दो, ईमेल डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहो तुम लोग लिख सकते हो, डैशबोर्ड में दिखेगा। अब पता नहीं ईमेल में भी ये दिखेगा कि नहीं, पता नहीं, ट्राई करना पड़ेगा, देखते हैं बाद में, ओके। हाँ, सो उसके बाद बस दैट्स इट ओके। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा रीड आउट करोगे, यहाँ पे हमारे पास है कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ ये ओके। सो हम लोग को ये एक इम्पोर्टेंट की, अच्छा ये मैं कॉपी कर लेता यार,
इतना इजी हो जाता, मैंने फालतू में टाइप किया इतना सब कुछ, है ना। ठीक है चलेगा। ये एक इम्पोर्टेंसी की डालना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्यों डालना पड़ता है, डाल लेता हूँ ये, मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। और ये होगा इम्पोर्ट, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक इम्पोर्टेंसी की, एक होता है यूनिक स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग UUID 4 यूज करेंगे यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। अब ये इम्पोर्टेंट आईडी मेक श्योर करेगा कि यूजर जो है एक ही बार चार्ज हो, यूजर जो है एक ही बार हम लोग उससे चार्ज करें। हो सकता है नेटवर्क इश्यू के कारण यूजर से 2 बार चार्ज कर लें हम लोग, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग को ये लाइन लिखनी पड़ती है। अगेन एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ती है, और वो इम्पोर्टेंट की एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, और रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने हम लोग UUID 4 का यूज कर। ओके यप। एंड देन इसको मैं फाइनली कॉन्स्ट चार्ज में रख देता हूँ, चार्ज में भी। एंड या दैट्स इट, बस हो गया, लॉजिक हो गया। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही पेमेंट का ही इशू लॉजिक लिख रहे हैं, अभी कार्ट एम्प्टी वगैरह का लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। एक बार पेमेंट हो जाएगा तो कार्ट एम्प्टी हो जाना चाहिए, वो बस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत हो गया, क्योंकि तो मैं अगर इतना सब कुछ हो जाए तो सक्सेसफुली जेसन रेस्पॉन्स दे रहा हूँ 200, एंड यहाँ पे जेसन, एंड यहाँ पे मैसेज भेज दे रहा हूँ MEESSAGE मैसेज। PAY पेमेंट, पेमेंट वॉज SUCCESS सक्सेसफुल, ओके समथिंग लाइक दैट। ओके हाँ, सो एरर आना लगता है, मेरे को एरर आएगा क्योंकि इतना सारा लिख दिया मैंने, कहीं ना कहीं पे तो कुछ टाइपो किया होगा, क्योंकि सजेशंस नहीं आए। ये जब मैं लिख रहा था एक बार भी सजेशन नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने न्यू कस्टमर यूज ही नहीं किया है क्या, ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ ये वाला। दो अलग अलग कस्टमर से हम लोग चार्ज करेंगे, नहीं एक ही, हाँ नहीं एक ही कस्टमर से 2 बार चार्ज करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा नया कस्टमर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। हाँ सो अच्छा, यहाँ पे यूजर आईडी देखो, एक एक टाइप हो तो मैंने अभी नोटिस कर लिया। हाँ ये कलर क्यों हाईलाइट नहीं हुआ है, ओके जो भी रीजन है देखते हैं एक बार करके। सब तो सही लग रहा है मेरे को। ओके लेट्स ट्राई दिस, सेव करता हूँ। हम लोगों ने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये चेंज किया तो उसके कारण मेरे को डेवलपमेंट सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। NPM रन डेव। रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली, हो जाने दो, क्लियर कर लेते हैं कंसोल को। ओ एक चीज मैंने नोटिस की, हम लोगों ने फ्रंट एंड पे तो लॉजिक ही नहीं लिखा है रिक्वेस्ट करने का। बाप रे, अभी इतना बाकी है लिखना हम लोग को, कहाँ गया कार्ट राउट। यहाँ पे तो हम लोगों ने कार्ट नहीं यार, हाँ कार्ट है ना, हाँ इसमें तो लॉजिक ही नहीं लिखा है नेटवर्क रिक्वेस्ट का, इसमें फटाक से लिख लेते हैं। तो ये कंसोल डॉट लॉग रहने दो भले। अवेट फेच डॉलर बेस, बेस यूआरएल इंपोर्ट किया ना, हाँ इतने बार यूज किया। URL स्लैश API स्लैश PAYMENT पेमेंट नाम दिया था ना मैंने, PAY, देखो स्पेलिंग गलत है, PAYEMET, अरे यार नाम वहां PAYMENT पेमेंट, PAYMENT, यहाँ पे नाम इसका सही कर लेता हूँ मैं। ओके हो गया है ना। ओके ये होगा हमारा जो है मेथड, पोस्ट एंड हेडर्स। अरे यार बार बार वही लिखना पड़ रहा है यार, कंट्रोल सी, फिर लिखने में टाइम वेस्ट, बिल्कुल नहीं करना है मेरे को, ठीक है। ओके एंड देन फाइनली बॉडी,
जेसन स्ट्रिंगिफाई बैकएंड में हम लोग यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं, ये पेमेंट इन्फो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेमेंट इन्फो इक्वल होगा हमारे नाम दोनों का सेम है क्या, हाँ तो मैं जस्ट पेमेंट इन्फो लिख सकता हूँ लाइक सो। ओके जो रेस्पॉन्स आएगा उसको मैं रखता हूँ कॉन्स्ट आर ई एस में, एंड कॉन्स्ट आर ई एस डॉट जेसन में पार्स करेंगे, अगेन प्रॉमिस रिटर्न करता है, अवेट कर लेते हैं और उसको रखता हूँ मैं रेस्ट टू में लाइक सो, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं रेस्ट टू। हाँ इतना सारा कोड लिख लिया यार, डर लग रहा है मेरे को टेस्ट करने में, ये अभी तक के ये हो ही रहा है यार, क्या है यार। ओके एरर आ गया, चलो बढ़िया, हाँ अवेट नहीं उसकी, ओके इजी एरर है, इजी एरर है, ओके अभी मेरे को डर नहीं लग रहा, इजी एरर है, यस साइंस। ओके तो इसके पहले वीडियो में तो क्या एरर आया था ना एकदम मस्त वाला। ओके अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके सो फाइनली लोड हो गया, अगर लोड नहीं हो रहा होगा तो तुम होम पेज पे जाना, वापस कार्ट में आना, ठीक है लोड नहीं हो रहा होगा तो। ओके चेकआउट पे क्लिक करते हैं, ramesh@ramesh.com, नेम रमेश, स्ट्रीट कुछ भी लिख दो, सिटी कुछ भी, जिप कोड कुछ भी लिख दो, इस बार यूएस दिखा रहा है, नहीं इंडिया, आई कहाँ है इंडिया, पेमेंट इन्फो, ओके कार्ड नंबर 42424242424242, ओके कोई भी फ्यूचर डेट, सीवीवी, पे, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का वो लॉग होना चाहिए, हो जा यार। ओके एरर प्रोसेसिंग पेमेंट, ओके ठीक है देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या एरर है। ओ यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला, सो अभी देख रहा हूं मैं, इतना मस्त एरर किया हूं मैं, तभी सोच रहा था सजेशंस क्यों नहीं आ रहा है, यहां पे देख रहे हो ये मस्ती देख रहे हो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं यार, हट इतना, मतलब इतना स्टूपिड मिस्टेक, वाओ रिस्टार्ट हुआ ना ये। ओके एक बार और चेकआउट, लेट्स से सुरेश @suresh.com, नेम suresh, इतनी मेहनत कर रहा हूँ टाइप करने में फिर एरर आया, फिर इतना टाइप करना पड़ेगा यार, उसका डर है। इंडिया पे इन्फो 42424242442, ओके कोई भी फ्यूचर डेट, सीवीवी पे, आ जाए यार रिस्पॉन्स आ जाए सक्सेस का, फिर से गलत, बैकएंड में भी कोई एरर नहीं दे रहा है यार ये तो। एक्चुअली यहाँ पे जो एरर है वो 401 अनऑथराइज है, मे बी हम लोगों ने ऑथराइजेशन हेडर नहीं भेजा है। नहीं यार 401 मतलब ये अनऑथराइज, मतलब इसी लाइन का एरर आ रहा है, इसी में कहीं पे कुछ गलती है। थोड़ा सा मैंने डिबग किया तो ये नोटिस किया कि मैं यहाँ पे JWT यूज कर रहा हूँ और मैंने JWT इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है। ओके सो ये कर लेते हैं, इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जे, हाँ तुम लोगों ने आई गेस पहले से ही नोटिस कर लिया होगा, बट देन माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके लेट्स सेव दिस, हाँ एक आखिरी बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, चलो फाइनल ट्राई। अगर अभी भी एरर आया ना तो फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा यार।
बहुत मेहनत से टाइप कर रहा हूँ, रहने दो यूएस। अरे यार इसको ईमेल भी वैलिड पैटर्न वाला चाहिए। 4242424242424222222222 पे आ जाए यार, सक्सेस आ जाए यार, सक्सेस आ जाए यार, सक्सेस आ जाए यार, सक्सेस आ जाए। थोड़ा टाइम लगा रहा है। अरे यार एरर भी तो यहाँ पे नहीं दे रहा है ये। अच्छा अरे यार मैं इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करूंगा तो जो भी एरर है वो मेरे को पता चले यार। अच्छा ये मैं करना भूल गया हूँ। अरे बाप रे, ओके अब मेरे को डेफिनेटली पता चल जाएगा यार। फटाक से एक बार करते हैं, देखते हैं रिस्टार्ट हुआ कि नहीं, जो भी एरर होगा पता चल जाएगा। अब ये मैं पहले क्यों नहीं किया मैंने। ये रहा एरर, न्यू कस्टमर इज नॉट डिफाइंड। ओके लेट्स हैव अ लुक। न्यू कस्टमर इज नॉट डिफाइंड। ये अच्छा। सो मे बी लेट कंट्रोल सी, लग तो रहा था यहाँ पे कुछ एरर है। न्यू कस्टमर यहाँ से हटा देता हूँ, ये चलेगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। ओके रिस्टार्ट हुआ सब। ओके फाइनल ट्राई, यही होना चाहिए एरर। इस बार थोड़ा सा सही डाटा लिखते हैं, सुरेश एट द रेट एस यू। हो जाना चाहिए यार, अब तो यार हो जाना चाहिए। स्टेटस मिला है 200, एरर नहीं आया है। ओके मेरे ख्याल से सक्सेस रहा है, सक्सेस रहा है ना। स्टेटस क्यों हम लोग को लॉग हुआ वैसे। चलो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसमें जाके डैशबोर्ड में कस्टमर्स में कुछ कस्टमर है कि नहीं है। ये है कस्टमर, 2:05 में क्रिएट हुआ है सुरेश। ओके हाँ कितना इसने पे किया था, इसमें इसमें हम लोग को डिटेल दिखाना चाहिए। इसने इतना पे किया है। ओके सक्सेस रहा है यार। यू परचेज अ प्रोडक्ट इधर डिस्क्रिप्शन आते हैं। अगर मेरे को मेल भेजना है तो सेंड रिसिप्ट भेजनी है तो इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो मेल चले जाएगा इस ईमेल आईडी पे। ओके हाँ सक्सेसफुल हुआ है, एक बार पहले भी हो चुका था यार सक्सेस। इसने दो कस्टमर्स मेरे को यहाँ पे दिखे, एक मुकेश करके भी दिखा, दो बार मतलब सक्सेस हो चुका था हम लोग का। ठीक है हाँ सही है, हो गया। ये 200 क्यों लग हुआ है यार, आज का दिन मेरा बुरा है, इतने स्ट्रेंज स्ट्रेंज एरर आ रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग में मेरे को ये 200 क्यों मिला है। जेसन कुछ गलती की है क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। अच्छा अरे जेसन में मैंने 200 भेजा है, यहाँ पे मेरे को देख रहे हो मतलब ये लाइन एनकाउंटर हुआ, मतलब सक्सेस रहा, सक्सेस रहा। ठीक है अगेन, अब मैं अभी क्या करूंगा, फिर से इसी ईमेल आईडी के साथ वो करूंगा सुरेश, इसी ईमेल आईडी के साथ फिर से पेमेंट करके देखूंगा। और मैं यहाँ पे दूसरा मतलब वो कस्टमर क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी ये एक ही कस्टमर रहना चाहिए। मैं सुरेश एट द रेट सुरेश ईमेल के साथ एक और बार चेकआउट करूंगा। यस एक और बार चेकआउट करेंगे। अभी देखो हमारे कार्ट में प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं हो रहे, उसका लॉजिक बाद में लिखते हैं। सुरेश एट द रेट एस यू आर एस एस सुरेश डॉट कॉम, नाम होगा सुरेश, स्ट्रीट कुछ भी दे दो, इसको भी कुछ भी दे दो, इसको कुछ भी। अरे यार एट द रेट 4242424242422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 2
44 पे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, वेट करते हैं उस मैसेज का। पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कस्टमर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ है, रिफ्रेश करते हैं पूरे पेज को ही। हाँ एक ही है सुरेश, एक ही है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पे दिखाना चाहिए। एक बार इसको इतने चार्ज किया, दूसरी बार मैंने किया तो देखो दो बार दिखा रहा है रिकॉर्ड, इसलिए एग्जिस्टिंग कस्टमर वाला लॉजिक लिखा ना मैंने, ठीक है। यस ये देखो दो बार मैंने पे किया इतना इतना अमाउंट, तो अब दो बार हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, दो बार मैं पेमेंट कर चुका हूँ। ब्यूटीफुल, अगर तुम लोग भी ये कर पाए हो तो जाके पार्टी करो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि तुमने ये जबरदस्त एप्लीकेशन बनाया है, लिंक्डइन में पोस्ट करो, और क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को दिखाओ, अपने टीचर्स के ग्रुप में शेयर करो, जो कर सकते हो करो, अपनी स्टोरी डालो, मजा करो। तो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।